बीजेपी हाईकमान ने बड़े अरमानों के साथ ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा की कमान सौंपने का फैसला लिया था। बीजेपी हाईकमान को ये उम्मीद थी कि ओम प्रकाश धनखड़ सुभाष बराला से ज़्यादा सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे और हरियाणा में बीजेपी के संगठन को सबसे मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन लगभग 3 साल के कार्यकाल के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने यह साबित कर दिया है कि वे बीजेपी को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय उसे कमज़ोर करने का काम कर गए हैं। उम्मीदों के अनुसार ओम प्रकाश धनखड़ न तो जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ पाए हैं और न ही जाट वोटरों को बीजेपी की पहली पसंद बना पाए हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन में ऐसे तुगलकी फरमान करने का काम किया है जिसके चलते बीजेपी का संगठन अनबैलेंस होकर रह गया है। हरियाणा में बीजेपी के 4 ही मुख्य पद हैं, प्रदेशाध्यक्ष का, उसके बाद महिला प्रकोष्ठ का, युवा प्रकोष्ठ का और किसान प्रकोष्ठ का। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के पहले ऐसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं जिन्होंने 4 में से 3 प्रकोष्ठों के पद एक ही जिले को सौंप दिए हैं और वो भी हरियाणा के सबसे छोटे जिलों में शामिल दादरी को। दादरी जिले में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, दादरी और बारड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ खुद दादरी जिले से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने किसान सेल और महिला प्रकोष्ठ दोनों के ही अध्यक्ष अपने जिले के लोगों को बना दिया है, यानी ओम प्रकाश धनखड़ ने 2/3 बीजेपी की सरदारी अपने छोटे से जिले दादरी को सौंप दी है। किसान सेल के अध्यक्ष जहां पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी हैं, वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सुनीता दांगी को सौंपी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने जिले के ही लोगों को 3 सबसे बड़े पद क्यों दे दिए? क्या बीजेपी के पास पूरे प्रदेश में ऐसे नेताओं का अकाल था जो महिला प्रकोष्ठ या किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते थे? क्या ओम प्रकाश धनखड़ को बाकी हरियाणा के नेताओं पर विश्वास नहीं था कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या ओम प्रकाश धनखड़ को पूरे हरियाणा में 2 ऐसे नेता नहीं मिले जो महिला और किसान प्रकोष्ठों को मजबूत कर सकते थे? ओम प्रकाश धनखड़ के इस फैसले से यह जाहिर हो गया कि वे अपनी पार्टी को समान तौर पर मजबूत करने की बजाय सिर्फ अपनी पसंद के नेताओं को अहमियत दे रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने जातीय तौर पर भी गलत फैसले लेने का काम किया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने पिछले दिनों रोहतक में जिलाध्यक्ष को लेकर बेहद गलत फैसला लेने का काम किया। उन्होंने जिलाध्यक्ष के तौर पर बनिया नेता को हटाकर जाट नेता ढाका को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। रोहतक की पॉलिटिक्स साफ तौर पर यह कहती है कि वहाँ पर जाट वोटरों में इस समय हुड्डा परिवार का डंका बज रहा है। लगभग 90% जाट वोटर इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं। ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बनिया नेता को जिलाध्यक्ष के पद से हटाकर एक जाट नेता को जिलाध्यक्ष बनाकर क्या हासिल किया? बनिया नेता को जिलाध्यक्ष से हटाकर जहां बनिया वोटर बीजेपी से नाराज हो गए हैं, वहीं जाट वोटरों में ढाका को जिलाध्यक्ष बनाने से बीजेपी को 2 पैसे का फायदा भी नहीं हुआ है। रोहतक की पॉलिटिक्स यही कहती है कि ओम प्रकाश धनखड़ के फैसले के चलते बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की जीत खतरे में फंस गई है। रोहतक शहर की विधानसभा सीट पर पंजाबी और बनिया वोटर सबसे अहमियत रखते हैं, इसके बाद सैनी वोटर और पिछड़ा और दलित वर्ग के वोटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे में यह माना जाता था कि बीजेपी के साथ जहां बनिया वोटरों का बहुमत है, वहीं उनके साथ मनीष ग्रोवर पंजाबी वोटरों में भी आधी हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने मनीष ग्रोवर के कम्बिनेशन को बिगाड़ने का काम किया है और वहाँ पर बीजेपी के लिए 2024 में जीत के आसार को खतरे में डाल दिया है। जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश धनखड़ ने रोहतक के समीकरणों को ध्यान में रखे बगैर ही गलत जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। यही काम दूसरे जिलों में भी हो रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ बैठकों पर बैठ के लेने का काम जरूर करते हैं, वो संगठन को गति देने के दावे भी करते हैं, उनकी मूवमेंट भी आपको फास्ट नजर आएगी, लेकिन ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने पूरे हरियाणा में जातीय समीकरणों के अनुसार पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपनी पसंद के नेताओं को थोपने का काम किया है, जिसके चलते बीजेपी का संगठन हरियाणा में ऊपर से मजबूत लेकिन अंदर से खोखला नजर आ रहा है। खोखले संगठन के बलबूते पर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने में नाकाम रहेगी और ओम प्रकाश धनखड़ के कारण ही बीजेपी 2024 में सत्ता से बाहर हो सकती है, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ने का काम करता है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है, जिस पार्टी के वर्कर मजबूत होते हैं, वो पार्टी हमेशा जीत की प्रबल दावेदार होती है। 2014 और 2019 में बीजेपी अपने
मजबूत कैडर के बलबूते पर ही लगातार दो बार सत्ता की सरताज बनी, लेकिन 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ की गलत नीतियों और गलत फैसलों के चलते ही बीजेपी के संगठन में दरार आ गई है। कैडर के नेताओं और वर्करों का अपनी ड्यूटियों से मोह भंग हो गया है, वो सरकार के कामकाज और अच्छे फैसलों का भी पॉजिटिव प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में हरियाणा में जहां बीजेपी को लेकर नेगेटिव चर्चा है, वहीं कांग्रेस की चर्चा ज़्यादा हो गई है। इस चर्चा को रोकने का सबसे पहला दायित्व ओम प्रकाश धनखड़ और उनके संगठन का था, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के गलत फैसलों ने संगठन को मायूस कर दिया है और वो सेल्फ जोन में चले गए हैं, जिसके चलते हुए वो सरकार के अच्छे फैसलों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। यानी ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी को अनबैलेंस करके गलत लोगों को बड़े पद देकर अपनी पार्टी को ही नुकसान में डालने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान ओम प्रकाश धनखड़ की गंदी पॉलिटिक्स की, कमज़ोर पॉलिटिक्स की हकीकत को कम समझेगा, क्योंकि अगर ओम प्रकाश धनखड़ 2024 के चुनाव तक भी प्रदेश अध्यक्ष बने रहे तो उनकी अगुवाई में बीजेपी सत्ता से बेदखल जरूर हो जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ की अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।